जी डेट है आज की 23 नवंबर 2024। स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर डिस्कशन में। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट कर लेते हैं। पहला टॉपिक किसके बारे में है? पहला जो हमारा आर्टिकल है, टॉपिक है, वो है पन्ना टाइगर रिजर्व के बारे में। अब पन्ना टाइगर रिजर्व के बारे में क्या चीज़ न्यूज़ में आई है, और यहाँ जो आर्टिकल दिया गया है ना, इसमें बात हो रही है एक कैनियन डिस्टेम्पर वायरस के बारे में। ये जो वायरस देखने को मिला है पन्ना टाइगर रिजर्व में, इसलिए इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आपको ये न्यूज़ समझ में आ गई होगी। न्यूज़ में क्यों आया ये पन्ना टाइगर रिजर्व? क्योंकि पन्ना टाइगर रिजर्व में कैनियन डिस्टेम्पर वायरस देखने को मिला है। अब ये जो आर्टिकल है ना, ये यूपीएससी में प्रीलिम के प्रस्पेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेंस में थोड़े कम चांस है, प्रीलिम में ज़्यादा है। क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे? सीडीवी, सीडीवी क्या है? कैनियन डिस्टेम्पर वायरस के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में पन्ना टाइगर रिजर्व के बारे में पढ़ेंगे। तो पन्ना टाइगर रिजर्व और कैनियन डिस्टेम्पर वायरस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं भाई, जाते हैं। पहले तो क्या है कैनियन डिस्टेम्पर? क्या है कैनियन डिस्टेम्पर? एक बीमारी है। किसके कारण होती है? वायरस के कारण होती है। कौन से वायरस के कारण होती है? वायरस का नाम है कैनियन, ये सी, कैनियन डिस्टेम्पर पैरामाइको वायरस, पैरामाइको वायरस। तो कैनियन डिस्टेम्पर पैरामाइको वायरस के कारण ये बीमारी होती है। वायरस का नाम याद रखना, क्या है वायरस का नाम? कैनियन डिस्टेम्पर पैरामाइको वायरस, कैनियन डिस्टेम्पर पैरामाइको वायरस। वायरस का नाम याद हो गया, कैनियन डिस्टेम्पर क्या है? एक बीमारी है। कौन से वायरस के कारण होती है? कैनियन डिस्टेम्पर पैरामाइको वायरस के कारण, कैनियन डिस्टेम्पर पैरामाइको वायरस के कारण ये बीमारी होती है। रट लो बात, एक सिंपल सी बात है, कैनियन डिस्टेम्पर पैरामाइको वायरस के कारण होती है। क्या है ये? एक बीमारी है। इसकी संक्रमण कैसे होता, फैलती कैसे है? कैसे फैलती? यूराइन, मूत्र जो विसर्जन करते हैं ना, सुसु करते हैं, उसके कारण फैलती है। फिर ब्लड, रक्त, उससे फैलती है। फिर आप जो कुत्ते वगैरह लार होते हैं उससे फैलती है। श्वसन, सांस खांसते हैं, छींकते हैं, तो सांस का जो आदान प्रदान होता है उससे फैलती है। तो मूत्र से फैलती है, लार से है, श्वसन से है, ब्लड है, खून है, इन सब चीज़ों से फैलती है। आपको ये वायरस का नाम याद रखना है, बाकी चीज़ें संक्रमित हैं तो आपको पता ही। सिंक कोई भी देखो, एक बीमारी होती है उसे कहा जाता है कंटीजीनियस। कंटीजीनियस मतलब संक्रमित। संक्रमित बीमारी वो कैसे फैलती? इसे ह्यूमन टू ह्यूमन टच में आने से फैलती है। मतलब एक व्यक्ति है और दूसरे व्यक्ति के टच में आने से बीमारी फैलती है, उसे कहा जाता है संक्रामक बीमारी है या कॉन्टीजियस बीमारी। तो ये जो बीमारी है कैनियन डिस्टेम्पर, ये एक संक्रामक बीमारी। संक्रमण कैसे फैलेगी? या तो आप डायरेक्ट टच में आ जाओ, या ब्लड टच में आ गया, या लार के टच में आ गई, या श्वसन की बूंदे, या खांसते छींकते टाइम टच में आ गई, इन सब चीज़ों के टच में आने से फैलती है, वो कॉन्टीजियस बीमारी है। ये काफ़ी घातक बीमारी है। कुत्तों में ज़्यादा देखने को मिलती है। कुत्तों में श्वसन रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, उसमें जठरांत है, इनका न्यूरो सिस्टम होता है, तंत्रिका तंत्र, उन सबको ये प्रभावित करती है। तो कैनियन डिस्टेम्पर के बारे में ये चीज़ आपको समझ में आ गई। कैनियन डिस्टेम्पर ये वायरस के कारण होनी, सीडीवी वायरस का नाम है, हमने देखा भी वायरस का नाम। ये एक संक्रामक बीमारी, हमने देखा कंटीजियस बीमारी। संक्रामक बीमारी क्या होती है? जो इन सब चीज़ों के ह्यूमन टू ह्यूमन टच में आने से फैलने वाली बीमारी को संक्रामक बीमारी कहा जाती है। काफ़ी गंभीर बीमारी है। ज़्यादातर ये कुत्तों में, डॉग में ज़्यादा होती है, और डॉग जो काफ़ी माइंड छोटे बच्चे होते हैं, डॉग कुत्तों के छोटे बच्चे होते हैं, पिल्ले वगैरह होते हैं, उनमें ये ज़्यादा देखने को मिलती है। और ऐसे पिल्ले जिसमें टीका भी नहीं लगा होता है, उनको ये ज़्यादा देखने को मिलती है। कुत्तों के अलावा कुछ और भी मैमल्स स्तनधारी होती हैं, उनमें भी ये देखने को मिल जाती है कभी कभार। कुछ और स्तनधारी होती है, उनमें भी ये देखने को मिल जाती है। संचरण कैसे होगा? वही हमने देखा, सांस लेने से होता है, ब्लड के सर्कुलेशन के टच में आगे तो हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं उनके कारण ये बीमारी हो जाती है, फैल जाती है, ड्रॉपलेट्स है, इन सब चीज़ों के कारण। अब ये वही महीनों तक ये कुत्तों के टच में रहती है। लक्षण क्या होते हैं इनके? कैरेक्टर क्या है? कैसे पता चलेगा कि ये बीमारी हुई है? सबसे पहले है खांसी है, नाक में से और का आँखों में से पानी आ रहा है, नाक आँख में से पानी आ रहा है, बुखार है। तो ये सब चीज़ है, उससे पता चलेगा कि हमारे हैं वो कैनियन डिस्टेम्पर बीमारी हो चुकी है। इलाज क्या है भाई कैनियन टेम्पर का? कैसे उपचार करोगे, इलाज क्या करोगे? तो देखो, इसका कोई इलाज नहीं है। कहीं भी जाओगी कैनियन टेम्पर का कोई इलाज नहीं है। तो अब भाई इलाज ही नहीं है तो इसका इलाज करना कैसे रहा? इसके लिए आप क्या करो, वैक्सीन लगाओ। टीकाकरण ही एकमात्र इलाज है, वैक्सीन ही एकमात्र इलाज है, इसके अलावा इसका कोई इलाज नहीं है। चीज़ें समझ में आ रही है आपको? समझो धीरे धीरे इस चीज़ को। कंटीजियस बीमारी क्या होती है? संक्रामक बीमारी क्या होती है? जो छूने से फैलती है, एन इन्फेक्शन डिजीज दैट स्प्रेड पर्सन टू पर्सन थ्रू डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट
बाय हीलिंग ड्रॉपलेट्स एंड इन्फेक्टेड। एक तो होती डायरेक्ट होती है जो टचिंग से फैलती है, किसिंग से फैलती है। इनडायरेक्ट होती है जो टचिंग एक वस्तु ऑब्जेक्ट को टच करने से, ड्रॉपलेट्स के कॉन्टैक्ट से फैलती है, जैसे कोई वस्तु वगैरह पड़ी है, खांसने छींकने से फैलती है। फिर होती है इनकैंडेशन से, इन सब चीज़ों से फैलती है, यानी अंतःकरण, दूसरी चीज़ें वगैरह खाओगे तो उनसे भी ये चीज़ें फैलती है। संक्रामक में कौन कौन सी होती है? फ्लू है वो संक्रामक है, जुकाम वगैरह लगा वो संक्रामक है, गले की खराश है वो संक्रामक है, कोविड 19 है, इबोला है, हेपेटाइटिस है, HIV है, पोलियो, ये सारी चीज़ें है वो संक्रामक है। ये सारी जो बीमारियाँ हैं ना, ये संक्रामक बीमारियों के अंतर्गत आती है। कहानी सिंपल सी है, हमने क्या पढ़ा है? हमने एक बीमारी के बारे में पढ़ा है। बीमारी का नाम क्या है? बीमारी का नाम है कैनियन डिस्टेंपर। कैसे होती है ये बीमारी? ये संक्रामक बीमारी है। अगर कोई व्यक्ति के टच में व्यक्ति आता है, खांसने छींकने से फैली है। इसके लक्षण क्या है? इसके लक्षण वही है, बुखार है, जुकाम है, ये सारे आँखों में नाकों में पानी आना, ये सारे लक्षण देखने को मिलते हैं। इसके अलावा वायरस का नाम हमने देखा, कैनियन डिस्टेंपर इसके वायरस का नाम है, और ज़्यादातर ये कुत्तों में दिखाई देता है, कुछ मैमल्स में भी देखने को मिलता है। संक्रामक बीमारी के बारे में देखा क्या होती है? एक प्रत्यक्ष संपर्क में आने से फैलती है संक्रामक बीमारी, एक अप्रत्यक्ष संपर्क में आने से फैलती है संक्रामक बीमारी होती है। कुछ बूंदे होती है जैसे खांसने छींकने के कारण भी फैलती है, दूषित भोजन खाने से भी फैलती है। तो ये सब चीज़ें हैं वो संक्रामक बीमारी के बारे में देखिए। उसके ये बात देख लो, इसमें क्या होता है, कफ होता है, वॉमिटिंग है, फीवर है, डायरिया है, ये इसके सिम्टम है। हमने देखे ना जो अभी बात करी जिस बीमारी डिस्टेंपर के बारे में, तो ये इसके सिम्टम है। अब इसका इलाज कोई है नहीं, टीकाकरण एकमात्र इसका इलाज है। तो ये चीज़ है। उसके बाद में बात करते हैं पन्ना टाइगर रिजर्व के बारे में। तो पन्ना को 1981 में से नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया था। नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन सब के बारे में अंतर आपको पता होना चाहिए, आपने एनवायरनमेंट में इसे पढ़ा भी होगा। तो 1981 में जो पन्ना है ना, इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया था। 1981 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया। बाद में 1994 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया। 1981 में नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क भी है, 1994 में इसे टाइगर रिजर्व भी घोषित कर दिया गया। क्या हुआ था, एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको बढ़िया सी। 2008 में है ना, यहाँ पे जो बाघ वगैरह थे ना, टाइगर वगैरह, वो मरना स्टार्ट हो गए थे, काफ़ी ज़्यादा, मैंने कुछ ही बचे थे। तो यहाँ के जो भी प्राधिकारी थे, जो भी अथॉरिटी थी, वो टेंशन में आ गई थी। उसके बाद में टेंशन में आके उन्होंने एक्शन लिया, बड़े बड़े अफसर यहाँ पे IFS अधिकारी वगैरह वो ट्रांसफ़र किए, और इन्होंने जाके एक्शन लेके अब जाके स्थिति में सुधार लाया है। तो ये पन्ना टाइगर रिजर्व में एक टाइम पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था, यहाँ पे टाइगर वगैरह लोकेटेड थे ही नहीं। बात करें पन्ना टाइगर रिजर्व की लोकेशन के बारे में बात करें, कहाँ पर है ये? तो इसकी लोकेशन है MP में है। MP में कहाँ है? MP में जो विंध्या माउंटेन है ना, विंध्याज माउंटेन, वहाँ पर इसकी लोकेशन, विंध्या पर्वत है वहाँ पर इसकी लोकेशन है। और ये 542 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। तो ये तो पूछेगा नहीं किलोमीटर वगैरह कितना है, पूछेगा नहीं। बुंदेलखंड जो रीजन है उसका एकमात्र टाइगर रिजर्व, ये चीज़ें पूछ सकता है UPSC से कि बुंदेलखंड जो एरिया है वहाँ का एकमात्र जो टाइगर रिजर्व, क्या ये पन्ना टाइगर रिजर्व है? तो ऐसे UPSC घुमा फिरा के कहीं पूछ सकता है, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। टाइगर रिजर्व 1994 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। इसके बाद बात करें तो ये है ना टेबल, ऐसे बना हुआ है ऊपर से, ऐसे टेबल की तरह जो प्लेट्यू होता है ना, तो प्लेट्यू की तरह ये बना हुआ है। रिवर कौन सी फ्लो होती है यहाँ पे? कैन रिवर है वो यहाँ पे फ्लो होती है, कैन रिवर है वो यहाँ से फ्लो होती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, कैन नदी यहाँ से दक्षिण की उत्तर से, और ये दक्षिण नॉर्थ साउथ से साउथ टू नॉर्थ की ओर फ्लो होती है कैन रिवर। काफ़ी पुरानी यहाँ पे चित्रकला भी देखने को मिलती है। तो ये पन्ना टाइगर रिजर्व के बारे में देखा, और हमने कैनाइन डिस्टेंपर बीमारी के बारे में देखा। क्या चीज़ें देखी? सबसे पहले हमने कैनाइन डिस्टेंपर वायरस के बारे में देखा, कैसे है वायरस बीमारी है, मतलब वायरस से होने वाली एक बीमारी है, कैसे फैलती है, कुत्तों में फैलती है, संक्रामक बीमारी है। उसके बाद में संक्रामक बीमारी के बारे में देखा, तो ये थोड़े बहुत अंतर देखा, क्या क्या लक्षण होते हैं वो हमने देखे। लक्षण क्या है? खांसी है, जुकाम है, ये लक्षण हमने देखे। तो कुछ पॉइंट है कैनाइन डिस्टेंपर के बारे में देखे। उसके बाद में हमने क्या देखा? पन्ना टाइगर रिजर्व के बारे में, 1981 में से नेशनल पार्क बनाया गया था, और 1994 में से टाइगर रिजर्व बनाया गया। तो ये कुछ पॉइंट भी पन्ना टाइगर रिजर्व के बारे में हमने देखे। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो एक MOU के बारे में, क्या है? जापान और भारत दोनों की सरकारों के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ
अंडरटेकिंग साइन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है, MOU साइन हुआ है। किससे संबंधित साइन हुआ है कि भारत जापान है वो इंडियन नेवी के लिए, जापान है वो इंडियन नेवी की हेल्प करने के लिए, इंडियन नेवी के लिए यूनिकॉर्न मैट्स बनाने के लिए वो साथ देगा भारत का। यानी कि जापान और इंडिया दोनों साथ में मिलकर इंडियन नेवी के लिए यूनिकॉर्न मैट्स तैयार करेंगे। ठीक है, यूनिकॉर्न मैट्स क्या होते हैं हम बाद में देखेंगे। पहला सिंपल सा इसमें ये था कि न्यूज़ में क्यों था, न्यूज़ में इसलिए था कि जापान और इंडिया ने एक MOU साइन किया है। इस MOU के तहत दोनों देश मिलकर को डेवलपमेंट के माध्यम से यूनिकॉर्न मैट तैयार करेंगे इंडियन नेवी के लिए। पॉइंट आपको समझ में आ गया, सिंपल बात आपको समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं यूनिकॉर्न ये होता है क्या है। यूनिफॉर्म की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटेना, ये इसकी फुल फॉर्म है। यूनिकॉर्न यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटेना इसकी फुल फॉर्म है। आपको फुल फॉर्म याद करना है क्या है, एकीकृत जटिल रेडियो एंटेना। यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न को वो मत समझना कि यूनिकॉर्न कंपनी, नहीं, ये जो जहाज़ होते हैं ना जो भी हमारे समुद्र में शिप वगैरह होते हैं, ठीक है, इंडियन नेवी यूज़ करती है, तो उनमें क्या एक यूज़ करने वाला उपकरण है। ठीक है, इंडियन शिप वगैरह के नेवी के द्वारा जो जहाज़ वगैरह होते हैं, शिप होते हैं, उनमें वो यूज़ करने वाला एक उपकरण है जिसे यूनिकॉर्न कहा जाता है, जिसकी फुल फॉर्म है एकीकृत जटिल रेडियो एंटीना। अब इसके बारे में बात करें, यूनिकॉर्न के बारे में, ये अत्याधुनिक एकीकृत एंटीना प्रणाली है। अत्याधुनिक मतलब मॉडर्न आज के टाइम का है, एकीकृत मतलब यूनिफाइड है, एंटीना प्रणाली मतलब एंटीना सिस्टम है, तो ये आधुनिक एंटीना सिस्टम है। अब इसमें क्या होता है, ये जो संचार प्रणालियाँ होती ना उसमें एक एकीकृत संचार प्रणालियों वाले, वैसे अलग अलग होती है, बट ये जो एकीकृत यूनिफाइड संचार प्रणालियों वाला मस्तूल, मस्तूल क्या मतलब क्या होता है, मैट्स, जहाज में लगने वाला एक उपकरण है जिसे मैट्स कहा जाता है, तो ये यूनिफाइड करने वाला एकीकृत जो संचार प्रणाली अलग होती उसे एकीकृत करने वाला इसमें मैट्स लगा हुआ है। ये जहाज की जो स्टिल्थ विशेषता होती है, स्टिल्थ कैपेसिटी होती है, उसे बेहतर करने में मदद करता है। अब इसे जापान की 3 कंपनियों ने मिलकर बनाया है। कंपनियों के नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बट इतना याद रखना कि इसे जापान की 3 कंपनियों में किन 3 कंपनियों ने मिलकर बनाया है। अब ये क्या करता है, ऐसा सेम जो यूनिकॉर्न है ना वो जापान की समुद्री जो आत्मरक्षा बल है जापान का, उसकी मोगामी श्रेणी है एक, उस पर ये पहले से लगा हुआ है। मतलब जापान की जो भी नेवी वगैरह है उसमें पहले से ये उपयोग आ रहा है, इसका मतलब काफ़ी अच्छा होगा तभी जापान इसका उपयोग कर रहा है। ठीक है जी, अब ये जो पुराने जो मैट्स हैं उनसे किस प्रकार से अलग है, तो पुराने मैट्स है ना वो अलग अलग होते थे। ये संचार जो टेक्नोलॉजी है जो रेडियो फ्रिक्वेंसी वगैरह को अडोप्ट करने का काम करती, अलग से कोई भी सूचना को ग्रहण करने का काम करती, तो अलग अलग तरीके से कर रही, ये अलग कर रही, ये अलग कर रही, ये अलग कर रही है, बट इसमें क्या होगा यूनिकॉर्न में सारी एक ही करतरी से जितनी सूचना है वो एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएगी, एक जगह आ जाएगी। तो ये पुराने विपरीतों का मतलब ये एंटेना है ये एकल रडार गुबंध के रूप में कार्य करती, यानी सिंगल सिस्टम के रूप में कार्य करती, इसे रेडोम के रूप में भी जाना जाएगा। और नवे ये काफ़ी इनोवेटिव है, और ये क्रॉस कनेक्शन, मतलब पहले क्या अलग अलग क्रॉस कनेक्शन हो जाते थे, उस क्रॉस कनेक्शन को भी कम हम देखो किसी को कॉल करते हैं तो कॉल किसी और को मिल जाता है, क्रॉस कनेक्शन की समस्या देखने को मिलती, इसमें है वो क्रॉस कनेक्शन की समस्या भी देखने को नहीं मिलेगी, ये भी इसके फ़ायदा देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, हम यूनिकॉर्न के बारे में देख चुके हैं, अब ये पूरा आर्टिकल इससे संबंधित है। क्या क्या पढ़ा हमने, जापान इंडिया दोनों मिलके इंडियन नेवी के लिए यूनिकॉर्न मैप बना रहा है, यूनिकॉर्न मैट्स बना रहा है। यूनिकॉर्न मैट्स के बारे में बताया हमने, यूनिकॉर्न मैट्स क्या है, यूनिकॉर्न मैट्स एक यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटेना है। ये क्या करती है, ये जो भी सूचना वगैरह उसको इकट्ठा करती है और यूनिफाइड तरीके से करती है, जो हमारी संचार की प्रणालियाँ होती है, हमारी कम्युनिकेशन होती है, उसको बेहतर करने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए काम करते हैं। ये ऑलरेडी जापान में उपयोग में आ रही है। तो ये पूरा आर्टिकल था, सिंपल सा आर्टिकल था, 2-4 वर्ड इंपॉर्टेंट थे वो हमने देख लिए। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। अगला जो आर्टिकल है वो है अपना हेल्थ के सेक्टर से संबंधित है। अब देखो इसको कुछ डिटेल से देखेंगे क्योंकि मेंस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो क्या चीज़ हुई है, ये हेल्थ सेक्टर पर से इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, मेंस में ऐसे एक पॉइंट है ना वो आप कवर कर सकते हो। बात क्या हुई है, झांसी में एक हॉस्पिटल था उसमें लग गई आग जिससे कुछ लोगों की जान चली गई है, इसलिए न्यूज़ में। अब हम नहीं देखेंगे कितने लोगों की जान गई, ये सब पॉइंट है ना फालतू चीज़ हम नहीं देखेंगे,
इसके लिए हमें कंसर्न है, टेंशन है भाई, गलत चीज़ हुई है, बट ये चीज़ें नहीं देखेंगे क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में काम नहीं आएगा। हम ऐसी चीज़ें देखेंगे भाई एग्ज़ाम में काम आएगा, तो ये ऐसे क्यों देख रहा है घूर करके, तो वो चीज़ें नहीं देखेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्या चीज़ हुआ है। 15 नवंबर को यूपी में झांसी में ये था, महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज था, यहाँ पर आग लग गई और कुछ ही लोग हैं, 10 शिशु है नाबालिग, वो जल के उनकी मौत हो गई है। अब बात करते हैं चैलेंज के बारे में। ऐसी आग है ना, दिल्ली में भी लग चुकी है, कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा गुजरात में भी इस टाइप से आग लग चुकी थी। तो ऐसी आग के बहुत ज़्यादा इंसिडेंट देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर ये इंसिडेंट है ना हॉस्पिटल्स है, कोचिंग है, वहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो अब इसके कारण क्या है, चैलेंज क्या है, मुख्य बात करते हैं इश्यूज़ क्या है, मुद्दे क्या है। इश्यूज़ के बारे में बात करें, सबसे पहली बात करें, कुछ पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, ये हमें इश्यू देखने को मिलते हैं। तो पहला पॉइंट बात करते हैं वो है भीड़ भाड़, और ऐसे मेंस में सेम पॉइंट लिख सकते हो, और उपेक्षित बुनियादी, उपेक्षित, ये राइटिंग सही नहीं मेरी, ये देख लो यहाँ पे लिखा है भीड़ भाड़ और उपेक्षित बुनियादी ढांचा, यानी कि ओवर क्राउडेड और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा ओवर क्राउडेड नेगलेक्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये चीज़ें यहाँ पे मैटर करती है। यानी कि ये जो हॉस्पिटल है ना काफ़ी पुराने हैं और यहाँ पे पेशेंट बहुत ज़्यादा है। एक तो हॉस्पिटल काफ़ी पुराने हैं, अच्छे से बने हुए भी नहीं हैं और पेशेंट बहुत ज़्यादा है। ऐसी अवस्था में क्या होता है, कुछ भी ऐसी आपातकालीन स्थिति होती है ना, तो लोग है वो मरते ज़्यादा है, क्योंकि ऐसी स्थिति बन जाती है ना, तो उसमें अच्छे से एग्जिट गेट बने हुए हैं ना, जो फायर जो बुझाने वाली सिस्टम होता है वो भी अच्छे से इंस्टॉल है। तो इसके कारण यहाँ पे ऐसी आपातकालीन स्थिति में मौत ज़्यादा होती है, बिकॉज की भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है और इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वो अच्छा होता नहीं है। दूसरे पॉइंट के बारे में बात करें, अग्नि सुरक्षा संबंधी चिंता है, ये इसी से मिलता जुलता है। अभी जो घटना हुई है वो शॉर्ट सर्किट के कारण हुई है, बट ये देखने को मिलता है कि अगर शॉर्ट सर्किट हो जाए, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह भी होते हैं, तो ये घटना और बदतर हो जाती है। तो इसके संबंधित भी चिंता देखने को मिलता है। हमारे NCB है ना, NCRB नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, उसने अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि इससे है ना बहुत ज़्यादा मौतें देखने को मिलती है। जैसे कि बात करें 106 बिजली शॉर्ट सर्किट में 101 मौतें हुई है, तो आप ऐसे लिख सकते हो पिछले कुछ सालों में 100 से अधिक बिजली सर्किट हुए हैं और 100 से अधिक इसमें मौत देखने को मिली है। इस प्रकार से आप ये आंसर में डेटा देना हो तो इस प्रकार से लिख सकते हो। यूपी है वो चौथे स्थान पे आता, पहला है ओडिशा, महाराष्ट्र, बिहार और यूपी है ऐसी मौत में चौथे स्थान पे आता है। अब इसके पहले पॉइंट हमने क्या देखा था, पहले पॉइंट देखा था भीड़ भाड़ ज़्यादा है, दूसरा पॉइंट हमने देखा था वो है अग्नि सुरक्षा संबंधी चिंता देख रही थी, तीसरा पॉइंट हम देखेंगे वो लो हेल्थ बजट। तीसरा पॉइंट हमें, पहला हमने देख लिया भीड़ भाड़ ज़्यादा है, दूसरा हमने देखा था अग्नि से संबंधित चिंता है, तीसरा लो हेल्थ बजट, कम स्वास्थ्य बजट। अपन हम कंपेयर करते हैं और जो देश हैं डेवलपिंग देश लाइक ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, उनकी तुलना में भारत अपने GDP का कुछ ही परसेंट है वो इस पर इन्वेस्ट करता है, यानी कि इस पर आवंटन करता है, अलोकेट करता है। जैसे कि 2023 के बजट में 2.2% है वो हेल्थ सेक्टर में अलोकेट किया था, और 2024 के बारे में बात करते 1.75 यानी 1.75% है वही इस पर अलोकेट किया गया। तो बहुत ही कम GDP का बहुत ही कम परसेंट है वो हेल्थ सेक्टर में गवर्नमेंट के द्वारा अलोकेट किया जाता है। अभी इनके जो भी हमारे और भी जो विकासशील देश है, डेवलपिंग देश है, उनके उनसे तुलना करें तो ब्राज़ील है वो 10% कर रहा है, साउथ अफ्रीका के बारे में बात करें तो वो 8% बात करें, तो ये भारत के जैसे ही देश है। ब्राज़ील है अपना भाई है भाई, ब्राज़ील हमारा भाई है, तो साउथ अफ्रीका भी अपना भाई है डिविलियर्स वाला, तो ये देश है ना ये बहुत कम भारत की तुलना में बहुत ज़्यादा जो हेल्थ सेक्टर वहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, पर अपन है वो का बहुत कम करे जा रहे हैं। तो ये कहना है कि भारत को है ना इसे बढ़ाना चाहिए, भारत को अपने जीडीपी का कम से कम 5 से 6% है वो हेल्थ सेक्टर में एलोकेट करना चाहिए, या हेल्थ सेक्टर के लिए अलोकेट करने की आवश्यकता है, तभी जाके ये विकासशील देशों से जो औसत है उसके बराबर आ सकता है। साथ ही साथ में कहते प्रणालीगत अंतराल यानी सिस्टमेटिक गैप, कैसे भारत में जो अग्नि सुरक्षा है उसके स्टैंडर्ड है, मानदंड है वो अच्छे नहीं है, यहाँ पे जो अग्नि सेवाएं हैं वो खराब तरीके से संगठित है, बढ़ती हुई जितनी भी डिमांड बढ़ रही उसको पूरा करने में असमर्थ है, उसे पूरा नहीं कर पा रही है। सार्वजनिक भवन होते हैं, बिल्डिंग होते हैं, उनमें जो अग्नि से सुरक्षित, जो फायर से सुरक्षित
फायर सुरक्षा से संबंधित जो रूल बनाए जाते हैं वो रूल भी अच्छे नहीं हैं। तो हमने चैलेंज देखे, पहला ओवरक्राउडिंग है, फिर हमने देखा था अग्नि से संबंधित प्रॉब्लम देखी थी, फिर बजट इसमें कम अलोकेट किया जाता है, फिर देखा था जो प्रणालीगत गैप देखे थे, सिस्टमेटिक गैप देखे थे, यानी कि अग्नि सुरक्षा से संबंधित जो भी स्टैंडर्ड है वो भी अच्छे नहीं है, जो सुरक्षा है मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उसकी मांग को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, ये तो कुछ प्रॉब्लम थे। अब आपने प्रॉब्लम देखी तो आप आगे की राह है यानी वे फॉरवर्ड भी बता सकते हो, क्या वे फॉरवर्ड में दे सकते हो। पहले बजट बढ़ाने की आवश्यकता है सार्वजनिक क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र में यानी कि जो भी सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र है तो उसमें बजट को बढ़ाने की आवश्यकता होती, कम से कम 5 से 6% है बजट को अलोकेट करने की, आवंटन करने की आवश्यकता है। उसके अलावा क्या किया जा सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल अच्छे होने चाहिए, वहाँ पे मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए, वहाँ पे आधुनिकरण होना चाहिए, वहाँ पे और किया जा सकता है फायर है उससे रिलेटेड अच्छे इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए, आग बुझाने से संबंधित अच्छे इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए। उसके अलावा क्या किया जा सकता है, और भी अधिक जो चिकित्सा पेशेवर होने उनकी भर्ती की जानी चाहिए। WHO का एक स्टैंडर्ड सेट किया गया है कि एक डॉक्टर है वो 1000 पेशेंट पे होना चाहिए, तो इसको है पूरा करने की कोशिश की जानी चाहिए। तो ये सारी बातें हैं। उसके अलावा फायर सेफ्टी है उसको इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है, इम्प्लीमेंट फायर सेफ्टी ऑडिट्स है, समय समय पर जो फायर सेफ्टी है उसके ऑडिट होने चाहिए और उसकी देखभाल की जानी चाहिए। अगर जो भी जिम्मेदार है, जवाबदेही है, उसको दंड दिया जाना चाहिए। अग्नि सुरक्षा प्रणाली है उसमें निवेश करें, उसके रोकथाम के लिए कुछ पैसे की भी ज़रूरत पड़ती है तो वो भी लगाएं, और कुछ कर्मचारी है उनको आपातकालीन स्थिति के लिए ट्रेन किया जाए, समय समय पर इस प्रकार से ड्रिल आयोजित की जाए कि किस प्रकार से आग को बुझाना है। अगर वो ट्रेन लोग होंगे तो आग बुझाने में वो आसानी से, अगर आपातकाल की स्थिति आई तो वो आसानी से आग को बुझा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें की जा सकती है। फिर जवाबदेही को तय करने की भी आवश्यकता, जो भी इसका जिम्मेदार है उसमें जवाबदेही तय की जाने की आवश्यकता है। ये पूरा आर्टिकल क्या कहता है, ये पूरा आर्टिकल यही कहता है, सिंपल स्टोरी में हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि यहाँ पे एक बात हुई है। ये देखो यहाँ पे सिंपल स्टोरी में यूपी में बिहार में लगी आग, किस में आग लगी है, हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में आग लगने से क्या हुआ है, कुछ बच्चे हैं वो जल के उनकी मृत्यु हो गई है। अब ये तो कारण हो गया, अब हम देखेंगे हमें चैलेंज क्या क्या देखने को मिलते हैं, हमारे सामने इश्यू क्या है, मुद्दे क्या है। मुद्दों के बारे में बात करें तो भारत में जो भी हॉस्पिटल है वो ओवरक्राउड है, भीड़ ज़्यादा है, अवसंरचना है वो सही नहीं है, अवसंरचना है वो अच्छी नहीं है। उसके अलावा क्या पॉइंट देखा था हमने, यहाँ पर बजट का बहुत ही कम अलोकेट किया जाता है। आग है उससे संबंधित जो भी है वो अच्छी व्यवस्था नहीं है, ठीक है, आग रोकने के लिए अच्छी व्यवस्था नहीं देखने को मिलती है। इसके अलावा हमने क्या देखा था, इसके अलावा भी जवाबदेही तय नहीं की जाती है, जो भी जिम्मेदार है उसकी जवाबदेही अच्छे से तय नहीं की जाती है। उसके बाद में हमने वे फॉरवर्ड देखा था, वे फॉरवर्ड में क्या है, बजट बढ़ाने की आवश्यकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट करने की आवश्यकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, हॉस्पिटल में जो नर्स वगैरह स्टाफ वगैरह होता है उसे बढ़ाने की आवश्यकता है। हमने देखा था कि एक पे मतलब 1000 पेशेंट पे एक डॉक्टर होना चाहिए, इस टारगेट को पूरा किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ हमने एक पॉइंट ये भी देखा था कि जो ट्रेन है, जो भी अथॉरिटी आग बुझाने वाले वगैरह, उनको ट्रेन करने की आवश्यकता है, समय समय पर ड्रिलिंग की जा सकती है। ये पॉइंट आप देख सकते हो और फाइनल कंक्लूजन निष्कर्ष में निकल सकते हो, इस प्रकार की घटना है वो कभी अच्छी नहीं है। अगर स्वास्थ्य में मतलब स्वास्थ्य क्षेत्र में इस प्रकार की घटना होगी जो भी गुंजनी है वो सही नहीं है। तो इसमें हमने जो ऊपर सुझाव दिए हैं उस सुझावों को लगा के सुधार किया जा सकता है, सरकार को और पहल करने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से आप आंसर बना सकते हो, ठीक है। चलते हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो G20 से संबंधित है और भारत में, भारत की जो अफ्रीका है, ग्लोबल साउथ को, इस डायमेंशन को देखेंगे। यहाँ पे जो भी पॉइंट आएगा ना वो भारत का ग्लोबल साउथ के प्रति क्या विजन है, ठीक है, उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पे नाइजीरिया है, उसके साथ में क्या रिश्ते हैं, फिर हम देखेंगे साउथ के और अफ्रीका के और कंट्री वहाँ पे भारत के कैसे रिश्ते हैं, ब्राज़ील के साथ कैसे रिश्ते हैं। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट है उसको आप है ना इस ग्लोबल साउथ से संबंधित जो भी देश है वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो, कॉमन पॉइंट है, उसको कहीं भी यूज़ किया जा सकता है। अब ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ क्या है, ग्लोबल नॉर्थ में आप देख लो, ऐसा नहीं कि नॉर्थ वाले ऊपर देश है वो ग्लोबल नॉर्थ में नहीं, जो देश है डेवलपिंग कंट्री, सॉरी डेवलप कंट्री है, जैसे कि USA हो गया, रशिया, ये यूरोपियन यूनियन के देश हो गए, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो ये है ना लाइन के ऊपर ऊपर वाले, ये देश, ये गएगी ग्लोबल नॉर्थ में। ग्लोबल साउथ में ये चाइना, इंडिया, अफ्रीका के सारे देश, ये आ जाएगी ग्लोबल नॉर्थ में, इस प्रकार से, सॉरी ग्लोबल साउथ में, यानी कि ये GDP के अकॉर्डिंग आएंगे, पर कैपिटा इनकम के अकॉर्डिंग इसे डिवाइड किया गया है। तो ऐसे नहीं कि भाई जो साउथ में है साउथ के, नहीं ऐसे नहीं, पर कैपिटा इनकम,
इसे बात किया जाता है, डेवलपिंग और डेवलप्ड नेशन में भी बांटा जा सकता है, तो यही आधार माना जाता है। फिर अब हम बात कर लेते हैं पूरे इस आर्टिकल में क्या क्या दे रखा है, उस पॉइंट के बारे में बात करें। तो ये देखो अभी है ना G20 समिट है, वो कहाँ पर हो रहा है, वो ब्राज़ील में हो रहा है। ये ब्राज़ील, यहाँ रियो डी जेनेरो ब्राज़ील की एक सिटी है, यहाँ पर आयोजित हो रहा है। तो आपको इसमें क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, सबसे पहले ब्राज़ील का लोकेशन आपको याद होना चाहिए, ब्राज़ील में कौन कौन सी सिटी है, रियो डी जेनेरो के बारे में याद होना चाहिए कहाँ पर है, ठीक है। ब्राज़ीलिया के बारे में पता होना चाहिए, ब्राज़ीलिया ब्राज़ील की कैपिटल है, ठीक है। ये ब्राज़ील के कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट है, इसके बारे में भी आइडिया होना चाहिए आपको। साथ ही साथ में ये पुलाव है, यहाँ पे कॉफ़ी का अच्छा ट्रेड होता है, ये भी पता होना चाहिए। ये ब्राज़ील है, अब यहाँ पे ये रिवर जा रही है, अमेजोन रिवर है, ठीक है। अब ब्राज़ील की जो नेबरिंग कंट्री है, जो बॉर्डर शेयर करते हैं, वो देश कौन कौन से, ये फ्रेंच गुना है, सूरीनाम है, यहाँ पे प्रधानमंत्री जी गए थे, ये गुआना है, वेनेजुएला है, कोलंबिया है, पेरू है, बोलिविया है, ठीक है, उरुग्वे है, पराग्वे है। ये देशों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ब्राज़ील की बाउंड्री किन किन देशों से लगती है। तो ये कुछ पॉइंट आपको ब्राज़ील के बारे में पता है। अब हम बात कर लेंगे G20 समिट के बारे में। अभी G20 समिट का कौन सा सम्मेलन हुआ है, ये 19वां सम्मेलन हुआ है, कहाँ पर हुआ ये हुआ ब्राज़ील में। तो ब्राज़ील में G20 समिट का 19वां शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है, इस दौरान कई सारे मंत्री शामिल हुआ, और ये कहाँ पर हुआ, ये ब्राज़ील की रियो डी जेनेरो शहर में आयोजित हुआ है। और यहाँ पर आखिर में तो पूरा समाप्त तो हो जाएगा, तब सारे देश है वो सामूहिक रूप से अपना एक स्पीच देंगे, और अपना जो भी होगा मंत्री स्तरीय में सामूहिक रूप से अपनी एक प्रस्तावना रखेंगे, भाई इस प्रकार से काम किया जाना चाहिए, वर्ष पर उन्होंने जो भी काम किया होगा इसको, इस पर चर्चा की जाएगी, अपने अपने विजन रखे जाएंगे, ये सारे काम किए जाएंगे इसके दौरान। इसके थीम के बारे में बात करें तो एक न्यायपूर्ण विश्व और टिकाऊ ग्रह का निर्माण, हिंदी में याद नहीं रहेगा, इंग्लिश में आप याद रखना, प्रीलिम में अगर पूछ ले कि अभी जो G20 हुआ था उसकी थीम क्या थी, तो ये बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड सस्टेनेबल प्लानेट, बिल्डिंग जस्ट वर्ल्ड एंड सस्टेनेबल प्लानेट, इसको याद रखना, बिल्डिंग जस्ट वर्ल्ड सस्टेनेबल प्लानेट। हिंदी मीडियम आपको हिंदी में याद रखना नहीं रहेगा क्योंकि काफ़ी लंबा है, कन्फ्यूजन है, तो इंग्लिश में याद रखना बिल्डिंग जस्ट वर्ल्ड, एक वर्ल्ड को बनाना है और सस्टेनेबल ग्रह को बनाने की आवश्यकता है, ये इसका थीम था, ठीक है। अब क्योंकि इसमें भारत के जो प्रधानमंत्री जी है वो इस दौरान नाइजीरिया भी गए थे, ठीक है, ब्राज़ील भी गए हैं, और साथ ही साथ में हमारा जो एक देश है वहाँ पे भी गए थे, अभी है ना यहाँ पे ये देखना, ब्राज़ील गए हैं और यहाँ पे गुआना भी गए हैं, ठीक है, इन सब के बारे में रिश्ते देख लेंगे। तो हम पहले ब्राज़ील, गुआना और नाइजीरिया, तीन देशों के साथ में भारत के रिश्तों के बारे में चर्चा कर लेंगे। तो पहले बात करते भारत और नाइजीरिया के संबंध में, इस पॉइंट को है ना अफ्रीका का कोई भी देश है ना उसके संबंध में आप यूज कर सकते हो। तो पहले बात करते हैं भारत और नाइजीरिया के बीच में संबंध है, उसकी शुरुआत 2007 में हुई है, 2007 से दोनों के बीच में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की शुरुआत हुई, रणनीतिक साझेदार की शुरुआत हुई। कब से हुई है रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत, 2007 में हुई है। किन किन डोमेन में, किन किन क्षेत्रों में ये दोनों साथ में मिलकर काम कर सकते हैं, ये क्षेत्र आपको पता होना चाहिए। भारत और नाइजीरिया है वो रक्षा के क्षेत्र में साथ में मिलकर काम कर सकते हैं, टेररिज्म के क्षेत्र में साथ में मिलकर काम कर सकते हैं, आतंकवाद के क्षेत्र में, ठीक है, उसके बाद में समुद्री डकैती यानी पायरेसी होती है उसके क्षेत्र में भी मिलकर साथ में काम कर सकते हैं, जो ड्रग्स वगैरह उनकी तस्करी होती है उसके क्षेत्र में भी साथ में मिलकर काम कर सकते हैं। तो ये एरिया आपको पता होना चाहिए, अफ्रीका का कोई भी देश है उसमें इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हो। इंट्रो करना हो शुरुआत या फिर कंक्लूजन लिखना हो तो वहाँ पर ये लिख सकते हो, ठीक है। आर्थिक संबंध के बारे में बात करें तो भारत ने 200 बिलियन, भारतीय जो भी कंपनियां, इन्होंने 200 बिलियन है वो अफ्रीका में इन्वेस्ट किया है। किन किन क्षेत्रों में किया है, फार्मा सेक्टर में किया है, एग्रीकल्चर सेक्टर में किया है, तो इन सेक्टर में भारत ने 200 बिलियन है वो इन्वेस्ट किया है भारत की अलग अलग कंपनियों ने। इसके अलावा भारतीय जो कंपनियाँ हैं वो गरीबी प्रदूषण से चुनौतियों से निपटने के लिए भी वहाँ पर अपने जो अनुभव है उसको साझा करने का प्रयास कर रही है। सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध, हम अलग अलग संबंधों को देखते, आर्थिक संबंध हमने देख लिए, उसके बाद में सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध के बारे में बात करें तो ये जो नाइजीरिया है ये भी पहले कॉलोनी था, तो भारत इसकी स्वतंत्रता के समर्थन किया, उसके बाद में हमारे कई डॉक्टर है, कई जो इंजीनियर है वहाँ जाके काम करते हैं, कई शिक्षक है वो ट्रेन करने का काम करते हैं। नाइजीरिया की ओर से हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं ना उनको ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर द नाइजीरियन का अवार्ड भी दिया गया, ये नाइजीरिया का एक अवार्ड है ये प्रधानमंत्री जी को दिया गया अभी, तो ये भी आप पॉइंट आप यूज़ कर सकते हो कि नाइजीरिया की ओर से भी भारत को तवज्जो दिया जा रहा है। इसके साथ साथ
भारत का वैश्विक दक्षिण के साथ भारत का जुड़ाव, मतलब भारत का साउथ की ओर जो जुड़ाव है ग्लोबल साउथ की ओर, वो उस पॉइंट को भी आप यूज कर सकते हो। वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ, जैसे बड़े बड़े मंच होते हैं, जैसे कि अभी G20 का मंच है और भी जो मंच होते हैं ना, अफ्रीकन यूनियन का जो मंच है, वहाँ पर जाके भारत है वो वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ की बात करता है, उसकी वकालत करता है। साउथ साउथ कोऑपरेशन, दक्षिण दक्षिण सहयोग की वकालत करता है, जो दक्षिण दक्षिण के देश हैं उनके सहयोग की वकालत करता है। तो इस पॉइंट को भी आप उपयोग में ला सकते हो, यूज़ कर सकते हो ऐसे, ठीक है। भारत है वो अफ्रीकन शिखर सम्मेलन होता है वहाँ पर जाता है, 2015 में गया था, वहाँ पर भी उसे आयोजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। G20 जैसे जो भी सहयोग जहाँ पे ऐसे होते हैं, कोऑपरेशन होते हैं, सम्मेलन होते हैं, वहाँ इन देशों की भारत हेल्प करता है, इन देशों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और भी कहीं चैलेंजेस भी देखने को, ये तो हमने देख लिया कि भारत में किस प्रकार से भारत है वो अफ्रीका के साथ में अपने जुड़ाव को बढ़ा सकता है, सहयोग को बढ़ा सकता है या रिश्ते सुधार सकता है। अब कुछ चैलेंज के बारे में बात करें तो भारत पे हमेशा एक लांछन लगता आया है कि भारत है ना, अपनी जो प्रतिबद्धता होती है, अपने जो एक बार कमेंटमेंट कर देता है ना, सलमान खान बोलता है ना, एक बार कमेंटमेंट के बाद में अपने आप की भी नहीं सुनता, तो भारत पे ये लांछन लगता है कि भारत एक बार कमेंटमेंट के बाद में किसी की भी सुन लेता है, यानी कि भारत अपनी प्रतिबद्धता को पूरा नहीं करता, भारत वादे बड़े बड़े कर देता है पूरे नहीं करता है। ऐसे भारत पे बार बार लांछन लगाते आ रहे हैं जो भी पड़ोसी देश हैं और जो भी देश जिस देश के साथ में भारत के व्यापार हैं, वो इस प्रकार से भारत पर लांछन लगाते आ रहे हैं। बात करें हाल ही में जो वॉइस ऑफ द ग्लोबल के समिट हुए थे, उसमें भी भारत की भागीदारी धीरे धीरे कम होती जा रही है। साथ ही साथ में दक्षिण दक्षिण सहयोग के बारे में बात करें तो इसमें भी जुड़ाव को और ज़्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है, जो कि कम देखने को मिलता है। तो ये कुछ पॉइंट है वो चिंता का विषय है। भारत और गुयाना के संबंध के बारे में बात करें तो ये भी संबंध है ना, इस पे कुछ पॉइंट है वो आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। ऊर्जा है, कृषि है, एग्रीकल्चर है ना, वो प्रवासी सहयोग है, वहाँ तक गुयाना में भारतीय है वो काफ़ी ज़्यादा रहते, तो ये भारतीय प्रवासी भारतीय है ना, वो सहयोग को भी मजबूत किया जा सकता है। दोनों देश है वो अपने से इतिहास है, दोनों देश कॉलोनी थे और सामाजिक आर्थिक चुनौतियों का सामना दोनों देश करते आ रहे थे। भारत और ब्राज़ील के बारे में बात करें तो फूड है, एग्रीकल्चर, एनर्जी है, जो हमारा हेल्थ सेक्टर है, इन सेक्टर में वो दोनों सहयोग मिलकर कर सकते हैं। साथ ही साथ जो बहुपक्षीय मंच होते हैं, बाइलेटरल है, मल्टीलेटरल जो भी इवेंट्स होते हैं, जो भी मंच है, ठीक है, वहाँ पे जाके दोनों देश मिलकर काम कर सकते हैं और जो भी समस्या उनको जाके सुधार किया जा सकता है। वे फॉरवर्ड के बारे में बात करें तो भारत अफ्रीका के संबंध को बढ़ाना होगा, जो भी शिखर सम्मेलन होते हैं, जैसे कि भारत अफ्रीका फॉर्म शिखर सम्मेलन है, उसमें तेज़ी लानी होगी, और भी कई चीज़ जैसे G20 है, और भी शिखर सम्मेलन होते हैं, वहाँ पर अफ्रीका का सहयोग करना होगा, अफ्रीका को बढ़ावा देने की भारत कोशिश करनी होगी। भारत पे जो लांछन लगते हैं कि भारत अपने कमिटमेंट पूरे नहीं करते हैं, तो भारत को अपने कमिटमेंट है अपनी जो भी प्रतिबद्धता है उसको पूरे करने की ओर ध्यान देना चाहिए। वैश्विक दक्षिण की ओर जुड़ा, हमने अभी बात करी थी भारत है वो ग्लोबल साउथ के बारे में बात करता है, तो अपनी उस आवाज़ को और मजबूत करने की आवश्यकता है। जो भी सम्मेलन होते हैं वहाँ पर भारत को दक्षिण दक्षिण सहयोग की आवाज़ उठानी चाहिए, आर्थिक साझेदारी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जैसे कि अफ्रीका है, दक्षिण अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है वहाँ पर आर्थिक निवेश की आवश्यकता है, भारत इस निवेश के माध्यम से अपने सहयोग को और बढ़ा सकता है, तो इन चीज़ों पर फोकस किया जा सकता है। तो ये पूरा आर्टिकल था भारत, और हमने बात करा कि ग्लोबल साउथ के बारे में बात करी, साथ ही साथ में हमने बात करी कि अफ्रीका में किस प्रकार से भारत अपने संबंधों को सुधार कर सकता है, इस सब के बारे में बात करी। ये संजय मूर्ति है, संजय मूर्ति जी, इनको अपॉइंटमेंट कर दिया गया कैग के न्यू चेयरमैन के रूप में, इससे संबंधित है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है ये करंट अफेयर के सुध शॉर्ट है, इसको हम देख चुके हैं, हमने ये भी देख लिया है, ऑपरेशन ये था जिसमें एक ड्रग्स को जब्त किया गया था, ऑपरेशन सागर मंथन। आप कमेंट में बता देना किसकी याद नहीं है किसका ऑपरेशन था, ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का ऑपरेशन था, जिसमें क्या था, इन्होंने इस ड्रग्स को पकड़ा था, कौन सा ड्रग्स था, मेथी फेंटामाइन, ये ड्रग्स था इसको पकड़ा था। चाबहार बंदरगाह के बारे में हम ऑलरेडी देख चुके, जो कि ईरान का है, ठीक है। उसके बाद में साउथ कोरिया के बारे में बात करें, ये कंट्री है साउथ कोरिया, ऊपर नॉर्थ कोरिया के बारे में हमने देखा था, ठीक है। ये सियोल इसकी कैपिटल है, ये रहा येल्लो सी, ये साउथ ईस्ट चाइना है, बुसान है, तो ये साउथ ईस्ट कोरिया के बारे में कुछ पॉइंट आप देख सकते हैं। कोरिया एक प्रायद्वीप के दक्षिण हिस्से में पूर्वी कोरिया के देश हैं, सैन्य सीमाओं में से एक साझा करती हैं, चेरी पेड़ है, सदियों पुराने बौद्ध मंदिर यहाँ पे हैं, हरे भरे पहाड़ी है, सैमसंग कंपनी यहाँ पर है, मछली पकड़ने का काम करते हैं, तो ये सियोल एक कैपिटल है, तो ये चीज़ें इसके बारे में कुछ थी। नेक्स्ट है वो MG रामाचंद्र के बारे में बात करें तो ये पहले मुख्यमंत्री थे,
भारत गणराज्य में पहले बनने वाले मुख्यमंत्री थे, मतलब एक्टर थे जो पहले मुख्यमंत्री बने थे, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने थे, और इन्होंने अन्ना द्रविड़ मुत्रेडु कगनम उसकी AIDMK पार्टी की स्थापना इन्होंने ही की थी। तो आज की डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।